हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने बिहार एसएससी 10+2 लेवल के जो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम डेट और सिलेबस लेके आया हूं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं जो एग्जाम होगा वो आपका कब होगा। तो एग्जाम आपका 17 नवंबर 2019 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेबस क्या। आपके पास करीबन 3 महीना है, ठीक है, 3 महीना से भी कम है, 2 महीना आप बोल सकते हैं, 2 महीना है तो तैयारी करने के लिए। तो मैं सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। तो पार्ट एक अगर बात करें जनरल स्टडीज का, उसमें करेंट अफेयर्स आएगा जिसमें आपको साइंटिफिक प्रोसेस, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन लैंग्वेजेस, बुक्स, स्क्रिप्ट्स, कैपिटल्स, करेंसी, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, जैसे भारत कितने कितने देशों को टच करता है, तो आपको पता है भारत से आपके कितने राज्य लगे रहते हैं, 7 देश लगे होते हैं। पहला क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर आपका बात करें तो नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, फिर बात करें तो बांग्लादेश और क्या हो गया, म्यांमार हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। फिर कल्चर से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से, इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब पढ़ना है। फिर बात करें पार्ट बी का, तो पार्ट बी में जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। जनरल साइंस में हमको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, और फिर बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बेसिक अर्थमेटिकल प्रोसेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एवरेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना। नेक्स्ट बात करें पार्ट सी में फ्रेंड्स, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होता है। वर्बल रीजनिंग का बात करें तो अकॉर्डेंस आपको पढ़ना है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पढ़ना है, स्पेशियल विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें नंबर नॉन वर्बल का, तो नॉन वर्बल में सीरीज आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, एनालॉगी, क्यूब्स एंड डाइस एंड वाटर इमेजेस आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सिलेबस जो कि आपको तैयार करना है। आपके पास 2 महीना है, 2 महीना में अगर आप सही रूटीन फॉलो करें, शेड्यूल बना लें सबका, तो आप आराम से पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।